हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य श्रीवास्तव फ्रॉम प्रोफेशनल के एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं एमबीबीएस एडमिशन इन फिलीपींस के बारे में। फिलीपींस की जैसे कि बहुत सी क्वेरी आ रही थी, बहुत से स्टूडेंट्स फिलीपींस जाना चाहते हैं पर कौन से कॉलेज में जाएँ, कौन सा कॉलेज उनके लिए बेस्ट होगा, तो इसके बारे में आज हम डिटेल से बातें करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ फिलीपींस क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। फिलीपींस में भी जैसे हमारे इंडिया का टेम्परेचर, नेपाल एंड बांग्लादेश, उसके बाद आपका फिलीपींस का नंबर आता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रेफर करते हैं कि आप इंडिया में अगर एडमिशन आपका ले सकते हैं तो इंडिया में ले लीजिए। फॉर इंडिया में बहुत से स्टूडेंट्स एडमिशन्स नहीं ले पाते हैं क्योंकि हाई बजट होता है, फिर जो लो स्कोर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको कॉलेज नहीं मिल पाता है। इसके बाद कुछ स्टूडेंट नेपाल जाते हैं, नेपाल में एडमिशन्स लेते हैं, पर नेपाल में जैसे कि अभी एडमिशन्स नहीं स्टार्ट हुए हैं और जो भी कॉलेज हैं वो काफ़ी हाई रेंज के वहाँ भी हो गए हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में एडमिशन्स काफ़ी हो रहे हैं, सीटें भी ख़त्म हो चुकी हैं। अब स्टूडेंट्स बांग्लादेश के बाद कहाँ एडमिशन ले सकता है, तो मैं आपको बताऊं, फिर उसके बाद का ऑप्शन है फिलीपींस। फिलीपींस के बारे में आपको बताया, फिलीपींस काफ़ी डिमांडिंग कंट्री है। फिलीपींस डिमांडिंग क्यों है इसके बारे में भी हम बातें करेंगे। तो मैं आपको बताऊं, फिलीपींस में जो है इंग्लिश आपका लैंग्वेज है, फुल इंग्लिश मीडियम आपके कॉलेज है, वहाँ पर दूसरी लैंग्वेज का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको दूसरी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। वहाँ कुछ लोकल्स लैंग्वेज हैं वो आप आसानी सीख लेते हैं, बाकी वहाँ पे 95% लोग इंग्लिश ही बोलते हैं, तो वहाँ पे आपको अदर लैंग्वेज किसी का और वो नहीं कि अदर लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी। फिलीपींस में सिर्फ आपको इंग्लिश ही सीखनी पड़ेगी, इंग्लिश आपको ऑलरेडी आती होती है। तो मैं आपको बताऊँ फिलीपींस के बारे में, फिलीपींस में जो नियर अबाउट इस बार एमसीआई मीन्स एनएमसी ने 40 कॉलेज नियर अबाउट रिकॉग्नाइज किया है जिसमें आप जाके एडमिशन्स ले सकते हैं। 40 कॉलेज में हमारे स्टूडेंट्स तो नहीं होते हैं, क्योंकि 40 कॉलेज इंडिया में, इंडिया के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मैक्सिमम 4 से 5 कॉलेजों में ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। फिलीपींस का थोड़ा सा जो नेगेटिव फैक्टर है मैं आपको बताऊं, नेगेटिव फैक्टर उसका एक ही कह सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा लिविंग एंड फूडिंग कॉस्ट महंगी है अदर कंट्री के अपेक्षा, रसिया और यूक्रेन से। लिविंग कॉस्ट की बात करें तो कुछ लोग आपको हाइड कर देते हैं कि नहीं 10,000 आएगा, 12,000 खर्च आएगा, पर मैं आपको बताऊँ नियर अबाउट 14,000 to 16,000, 18,000 पर मंथ आपका खर्च आता है। कुछ हमारे कंसल्टेंट्स ब्रदर्स क्या है, बहुत कम लो बता देते हैं, तो लो बताने पे मत जाएं, आप जो है उसको 14 के एबव ही मान के चलें कि आपका 14,000 में आपका फूडिंग और लॉजिंग दोनों हो जाएगा। रीज़न क्या है कि मैक्सिमम वहाँ पे कॉलेज के हॉस्टल्स प्रोवाइड नहीं होते हैं, तो आपको बाहर प्राइवेट हॉस्टल में रहना पड़ता है, जो कि हर चीज़ की कॉस्ट होती है, आपका जो है लॉन्ड्री का भी कॉस्ट है, इलेक्ट्रिक का बिल, हर चीज़ का आपका बिल लगता है, तो इसलिए वो कॉस्ट बढ़ जाती है। अब मैं बात करूंगा फिलीपींस में जो सबसे हाई डिमांडिंग कॉलेज हैं कौन कौन से वो कॉलेज हैं। जैसे कि मैं बात करते हैं 7 से 8 साल पहले 10 साल पहले की, तब उस समय वहाँ पे 2-3 कॉलेज ही रन कर रहे थे। रन मीन्स जैसे आपका परपेचुअल हेल्प है, एमा है, एमिलियो है, इस तरह कॉलेज रन कर रहे थे। मैं आपको बताऊँ अभी इस समय का जो रेशियो है 2018-19-20 से जो चल रहा है, अभी भी यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल है सबसे डिमांडिंग यूनिवर्सिटी बनी हुई है इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एडमिशन्स होते हैं। नियर अबाउट 4,000 स्टूडेंट वहाँ पे स्टडी कर रहा है यूनिवर्सिटी में, और ये काफ़ी डिमांडिंग यूनिवर्सिटी है इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में। इसमें किसी प्रकार का कोई भी, जैसे और भी यूनिवर्सिटी होती है वहाँ पे कभी कभी आपसे कुछ यूनिवर्सिटी ज़्यादा पैसे जमा करा देते हैं या कुछ लोग कर देते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी ऐसा बैलेंस को लेकर जो एग्जैक्ट बैलेंस है वही आपका जाएगा। मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्प करते हैं, तो अगर आप 10+2 के बाद जाते हैं तो आपका 6 ईयर का आपका कोर्स होता है टोटल, जिसमें 2 साल आपके बीएस कोर्स, 4 ईयर आपका एमडी प्रोग्राम होता है। एमडी प्रोग्राम ऑलरेडी आप समझ रहे हैं, एमडी प्रोग्राम इज इक्वल टू एमबीबीएस वहाँ पे, तो एमडी प्रोग्राम वहाँ पे होता है, ये 4 ईयर्स का होता है, बाकी 2 ईयर्स का बीएस होता है। बीएस के बारे में कई बातें थी, पहले कभी बीएस किसी यूनिवर्सिटी में 1 ईयर का था, कहीं पर 18 मंथ का था, कहीं पर 2 ईयर का था, पर अभी जो है लास्ट के कुछ 1-2 सालों से जो है ये जो फिलीपींस गवर्नमेंट है इसने जो है हर यूनिवर्सिटी में 2 ईयर्स का बीएस प्रोग्राम कर दिया, जिसमें आप किसी भी यूनिवर्सिटी में कहीं भी फिलीपींस में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो आपको 2 साल का बीएस प्रोग्राम करना ही होगा, उसके बाद आप एनमैट एग्जाम देते हैं और फिर आप जो है एमडी में इंटर करते हैं। तो ये टोटल आप मान के चलेंगे 6 ईयर प्रोग्राम आपका हो गया। उसके बाद इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप स्टूडेंट जो है इंडिया में आके करता है। कहीं कहीं पर कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं, कुछ लोग उनको बताते हैं कि जो 4th ईयर में आपका इंटर्नशिप पार्ट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको 4 साल एमडी प्रोग्राम, 2 साल बीएस प्रोग्राम, उसके बाद 1 साल आपको इंटर्नशिप करनी है। इंटर्नशिप हाँ वहाँ पे हालांकि बहुत से कम स्टूडेंट्स करते हैं, वो सब आके इंडिया ही करते हैं। और अभी की जैसे भारत सरकार ने कुछ बताया कि अब फिलीपींस और इंडिया और नेपाल यहाँ की इंटर्नशिप मान्य होगी, उसके लिए अभी कुछ लिखित नहीं आया था, पर ये मार्केट में मतलब ये चल रहा है एमसीआई की तरफ से गाइडलाइन है।
तो मैं आपको बताऊं, इंटर्नशिप का पार्ट अलग है, वो अलग ही है, चाहे इंडिया में करें या फिलीपींस में करें, इट्स नॉट अ मैटर। और अब बात करते हैं बीएस प्रोग्राम की। बीएस प्रोग्राम के लिए देखिए, अगर आप ग्रेजुएट हैं इंडिया में, यानी कि अगर आपने बीएससी कर रखा है या बी फार्मा कर रखा है या कोई भी साइंस से बैचलर डिग्री ले रखी है, तो आपको बीएस फिर आपको नहीं करना होगा। आपको जो है मात्र 4 साल का आपको वहाँ पे एमडी प्रोग्राम होगा, जिसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन होगा, यानी कि एन मैट का जब वहाँ पे एग्जाम होता है, एन मैट के साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, एन मैट का एग्जाम होने के पहले आपको हम भेज देते हैं 1-2 महीने पहले, जिसमें आप एन मैट का एग्जाम क्लियर करके सीधे आप एमडी प्रोग्राम में जाते हैं। तो ये फिलीपींस है, आपको 6 ईयर प्रोग्राम है जो 10+2 पास आउट होकर जा रहे हैं, 4 ईयर प्रोग्राम है जो बीएससी या बी फार्मा ये करके जा रहे हैं, बैचलर डिग्री यहाँ से कंप्लीट करके जा रहे हैं, उनके लिए 4 ईयर प्रोग्राम है। और मैं आपको बताऊँ, फिलीपींस एक अच्छा इसलिए है कि वहाँ का टेम्परेचर जो है मैक्सिमम टेम्परेचर नियर अबाउट 25+ ही रहता है, साल के 12 महीने आपके यही टेम्परेचर मिलेगा, 30, 32, 35, 34। इसलिए वहाँ की जो डिसीज़ हैं वो हमारे इंडियन जैसे मिलती जुलती है, इसलिए वहाँ का जो डॉक्टर्स होता है वो वहाँ पे कुछ सीख के आता है। तो मैं आपको बताऊँ, अगर आप फिलीपींस आने का डिसीजन ले रहे हैं, फिलीपींस में कौन सी यूनिवर्सिटी आपको चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट होगी, तो आप हमारे काउंसलर को भी कॉल कर सकते हैं। प्रोफेशनल एकेडमी आपको हर तरह से हेल्प करेगी, वहाँ पे हमारे जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पे आप रह सकते हैं, उसकी कम कॉस्ट है, पर 14,000+ ही मान के चले आप। उसके लिए फुल पैकेज क्या जाएगा, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट होगी, तो अभी तो हम आपसे यही प्रेफर करेंगे कि अगर आप फिलीपींस जा रहे हैं, बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फर्स्ट नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्प है, फिर उसके बाद एमा है, और बजट आपका है जिस हिसाब से बजट है, जो यूनिवर्सिटी में जहाँ पे ज़्यादा हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं वहीं आप प्रेफर करें। बाकी वहाँ 40 यूनिवर्सिटी रन कर रही है, 40 यूनिवर्सिटी में कोई भी यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं, इंडियन स्टूडेंट्स हर जगह मिलेंगे, बट आपको जो है जहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी आप प्रेफर करें। और मैं आपको बताऊँ फ्रेंड्स, फिलीपींस के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल करें, और फिलीपींस को हम जो है मैं आपको फिलीपींस का जो इंटर्नशिप है वो भी अच्छा होता है, फिलीपींस का स्टडी भी और कंट्रियों के अपेक्षा काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाकी की जानकारी के लिए हमें कॉल करें, थैंक यू।